आपण देखुंट आज दिन भर जहाँ कार्यक्रम रही जमी गोटे साधारण बहुत होता है गोटे झीओर और गोटे पुओर से रीति रीति अनुजाई आज प्रमोदी बहुत होती तेणु गोटे जो जहाँ घटनाक्रम रही जिते गोटे 17 वर्ष झील थी प्रमोदी कलेज जा समय एक पाखिया प्रेम करुवा जी रही थे जे आर्मी जे जवान रही है एसीड आटाक करते से घटनास्थल फेरार हो जाते तेज जंत्रण में छटपट होते प्रमोदी अनेक सर्जरी आखि नष्ट हो जाए कि जीवन आसते सरोज सहायतार हाथ बढ़े प्रति मुहूर्त से रही थे प्रमोदी सहित तापर धीरे धीरे ये निविड़ता केत भल पाइबार रूपातरित है भल पाइबार जीवनसाथी हमारे से मैंने निष्पत्ति 2018 वैलेंटाइन डे अर्थात फेब्रुआरी 14 से निर्बंध होता लखनऊ में अनुष्ठित होता और 2021 मार्च 1 आज उभय पर उपस्थित उभयर बहुत संपन्न हो बहुत को नहीं समस्ते बेस खुशी रही निजे प्रमोदी और सरोज खुशी रही आशा करवा कि उभयर वैवाहिक जीवन सुखमय हो दाम्पत्य जीवन सुखमय हो भगवान से आशीर्वाद करते प्रमोदी और सरोज को बहुत अनेक प्रेरणा जगह अनेक अनेक किसी उदाहरण सृष्टि कर जीवन रो नजरिया रही देखार जो नजरिया रही बदल आवश्यकता रही जनकर सुंदरता केवल मुहरे न थाए सुंदरता हृदय था हृदय को भल पाइबा ही आवश्यकता रही एक प्रमाणित कर देखते सरोज तेणु कौटना कौटी उभयर बहुत अनेक किसी उदाहरण सृष्टि कर समाज पर तेरे सबुठ बड़ कथा होची आम साथ बर्तमान जोड़ी होती आलोक दिशी जेतिकी स्टॉप एसिड अटैक फाउंड मैंने फाउंडेशन जो रही तरह से रही उपदेष्टा और सबुठ बड़ कथा होची से जने सांबादिक सहित विभिन्न एनजीओ सहित से जोड़ी होती आलोक जी आपको स्वागत करते हैं आलोक जी क्या बोलेंगे पहले बोलिए सरोज और प्रमोदीन की शादी को लेकर आपका रिएक्शन क्या आएगा बहुत अच्छा लग रहा है जो बीच में ही हमारे हमने इस प्यार को ग्रो होते हुए देखा है हमने देखा है कैसे सरोज ने एक तरह से मतलब संबल बने हैं रानी के लिए और बहुत मुश्किल सफर रहा है रानी का शायद आपने बताया भी होगा सब लोगों को तो एक लंबे संघर्ष में सरोज का आना मतलब एक तरीके से जैसे सांस की तरह सरोज उनकी जिंदगी में है तो मुझे अच्छा लगता है ये इन दोनों की शादी कितने लोगों के लिए एक मिसाल है मेरे ख्याल जो दोनों लोगों की शादी है ये एक पॉजिटिव मैसेज है शायद मैं ऐसे कहूँ तो ये उस अभियान का एक सक्सेस हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की है जैसे स्टॉप एसिड अटैक्स कोशिश कर रहा है कि हर पहलू पे काम किया जाए मतलब एक कोशिश ये भी रह रही है अपने कैंपेन की कि सामाजिक बदली जाए क्योंकि एसिड की बिक्री एक पहलू है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं सरकार के नियम कानून आए वो एक पहलू है लेकिन एक बड़ा पहलू है जो ये कि समाज कैसे बदलेगा कैसे इस तरह का एक कम्फर्टेबल माहौल मिले कि शादियां कर और जहाँ पे जो है उसको ऑप्टिमाइज ना किया जाए उसको गलत ना समझा जाए तो उस दिशा में शायद ये बहुत अच्छा मतलब मेरे ख्याल से ये एक पहली सक्सेस स्टोरी हमें दिख रही है यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है मतलब ये बहुत ही अच्छा मैसेज भी है इस समाज के लिए आलोक जी आप खुद आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टॉप एसिड अटैक आप बहुत सारे एसिड सर्वाइवर के साथ भी काम कर चुके हैं उनके साथ मिल भी चुके हैं तो आपको क्या लग रहा है ये जो अभी भी हमारे देश में जो लॉ है इंडिया में आपको क्या लग रहा है एसिड अटैक के अगेंस्ट में ये लॉ काफी है देखिए लॉ हमारे यहाँ अच्छे आ गए हैं मतलब कुछ कानून है जिनको अगर ठीक से किया जाए तो सब दिख सकता है जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की बिक्री को रेगुलेट किया है और तो एसिड इतनी आसानी से नहीं मिलना चाहिए और एसिड की जो आसान उपलब्धता है उसी वजह से शायद एसिड अटैक ज्यादा बढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो इस बारे में बहुत लंबी बहस हुई है तो इन्हीं पहलुओं पे बहस हुई है तो ऐसे जाए तो काफी फर्क पड़ेगा बाकी इस तरह का क्राइम करने वालों को अब उम्र की सजा आती है कड़ी सजाएं हैं थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है जैसे अब पुलिस भी थोड़ा बेहतर रिस्पॉन्स देती है इसको हीनियस क्राइम में रखा गया तो इस तरह से काफी कानूनों में तो बदलाव आ गया है लेकिन अब इन कानूनों को जमीन पर लाना है और पूरे इस मगर आलोक जी लॉ तो पनिशमेंट को हाइक किया है मगर ये तो जो विक्टिम्स है इन लोग को तो इतना भी हेल्प नहीं होता है देखिए लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो या 10 साल का सजा हो या आप रिहैबिलिटेशन की बात बोलो या कंपनसेशन की बात बोलो ये जो क्या बोलते हैं जो पेन है जो होल लाइफ की जो पेन है इन लोग को जो मिलता है खास करके वुमेन को अगर देखा जाए तो ये अटैक ज्यादा वुमेन के ऊपर ही होता है तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग लॉ आना कितना जरूरी है
मतलब मैंने बताया इसे एक और पहलू भी है इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी इस पे भी एक आदेश दिया है कि जो रिहैबिलिटेशन है सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को फ्री ट्रीटमेंट देने के लिए कहा है। मतलब किसी भी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल जहां भी वो इलाज कराए शुरुआत से लेकर अंतिम इलाज तक जो है सरकार को कराना चाहिए। तो इस तरह के कानून तो आ गए हैं और दो पहलू हैं, एक ये कि ये इस तरह के अपराध ना हो उसके लिए कड़ी सजाएं और एसिड की सेल में जो रेगुलेशन है वो काफी हेल्पफुल है अगर इनको सही से लागू किया जाए। दूसरा कि अगर एसिड अटैक हो जाए तो काफी अच्छा कंपनसेशन गवर्नमेंट ने रखा है लेकिन उसको ठीक से अभी लागू नहीं हो पाया है बहुत सारी जगह से। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे उड़ीसा सरकार ने एटलीस्ट इतना, उड़ीसा सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं हमारे जो एमपीज हैं इन्होंने काफी सपोर्ट किया है रानी को, लेकिन ऐसा कम हो पा रहा है या ऐसे कम मामलों में ही हो पाता है और काफी अच्छे कानून है अगर सरकार उन्हें लागू दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमारे साथ जुड़े होने के लिए। रही आलोक दीक्षित रही स्टॉप एसिड अटैक ऑर्गेनाइजेशन उपदेष्टा रही थे से अनेक एसिड सर्वाइवर सहित से कम कर आज खास कर सरोज और प्रमोदीन बहार से ओडिशा गस्त आसते उभय बहुत को एक उदाहरण बोली कह सहित खास कर जो एसिड अटैक देश में वृद्धि पाचे केमती रोक लगे आहरी नजर देवार आवश्यकता रही से प्रतिक्रिया कहते हैं। मोबाइल अर्गस न्यूज आप मध्यम देखिपारे लेटेस्ट अपडेट्स आउ लाइव गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप इंस्टॉल करंतु निजो मोबाइल रे बस खबर बे आपन को हाथ पहांता रे आपन भी जुड़ी होंतु अर्गस सहित अर्गस रो नुआ ऐप रे सत्य रो संधान रे अर्गस सब पड़े लोकों का साथ रे।